आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आगरा में भारतीय रेल का बहुत ही बुरा हाल है। जहां एक तरफ ट्रेनों की हालत खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों में अवैध वेंडरों द्वारा जो खाना परोसा जाता है वो काफी गंदगी में बनता है। तो यहां चाय में पड़ने वाला दूध भी काफी गंदा है, जिसका सीधा असर यात्रियों की सेहत पर पड़ता है। इस संबंध में आगरा मंडल रेल प्रशासन के अधिकारी समय समय पर कार्रवाई किए जाने की बात कहते हैं। बता दें कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कुछ ठेकेदारों ने परमिशन होने के बाद भी अवैध वेंडरों को लगा रखा है, जो प्रशासन की अनदेखी के कारण धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। हमारे स्तर से हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हम इसमें खुद भी ऑफिसर लेवल पर और स्टाफ लेवल पर रेड करते हैं। और चूंकि आपने बताया है, तो हम इस पर दोबारा और स्ट्रिक्ट करते हैं एंड वी कैन अश्योर यू कि हम इसको जो है पूरी तरह से अपने स्टेशन से ख़त्म करेंगे। गाजियाबाद में हिंडन नदी पर 100 साल पुराने पुल में दरार आ जाने से गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया। वहीं टेक्निकल टीम ने मौके पर पहुंच मुआयना किया। वहीं डीएम ने भी मामले की जांच की और पुल ठीक करने के आदेश दिए। हम लोगों ने देखा है ना, अराउंड 100 मीटर्स इसमें 3-4 एजेंसी इन्वॉल्व है। सेतु निगम है, पीडब्ल्यूडी है, NH58 वाला डिवीजन एंड देन मेट्रो का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम जो है इसका, क्योंकि कोई हादसा हुआ वही नहीं अभी गॉड्स ग्रेस, तो ये तो हम लोगों ने ब्लॉक किया है सो दैट वी विल प्रिवेंट एनी ट्रैफिक फ्रॉम एंटरिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आगे कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए। कौशाम्बी के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जिला योजना समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए 21 लाख का अनुपूरक बजट पास किया। साथ ही प्रभारी मंत्री ने बजट को आम जनता को समर्पित किया। बलरामपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार के कार्यों की तुलना पिछले सरकार से की, तो जीएसटी को ऐतिहासिक फैसला बताया। इसी के साथ जीएसटी आने से सभी को लाभ होगा तथा महंगाई घटेगी। मथुरा के गोवर्धन धाम में 4 जुलाई से शुरू होने वाले मुड़िया मेले की सभी व्यवस्थाओं को आगामी 2 जुलाई तक प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया जाएगा, जिसके तहत 1500 बसों के साथ 44 पार्किंग स्थल और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा संपूर्ण मेला क्षेत्र को 11 जोन और 60 सेक्टरों में बांटा गया है। कुशीनगर में भाजपा के 100 दिन पूरे होने और जिला कार्य योजना की बैठक में कांग्रेस के विधायक अजय कुमार लल्लू ने अपने साथ अनुचित व्यवहार होने के कारण बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसी के साथ प्रभारी मंत्री को खरी खोटी भी सुनाई, तो पत्रकारों ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। कुशीनगर में पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को 40 किलो गांजा और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट माप के साथ हिरासत में लिया। तो वहीं गांजा की कीमत बाजार में लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आधे घंटे हुई बारिश ने उन्नाव नगर पालिका की पोल खोल दी। पूरे नगर क्षेत्र में जलभराव हो जाने से बात साफ हो गई है कि नगर पालिका अभी तक बारिश में होने वाले जलभराव को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं नगर पालिका की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली साफ दिखाई देती है। हरदोई जिले में चुनावी रंजिश के चलते शराब के नशे में धुत कुछ दुबंगों ने एक पिता और पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। जहां अस्पताल में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और साथ ही दबिश देकर भाग रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो तीसरे व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। आजम खान द्वारा भारतीय सेना पर शर्मनाक बयान दिए जाने से नाराज होकर भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने आजम खान का पुतला फूंका और कहा कि आजम खान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बदायूं के बिलसी के बिसौली मार्ग पर बने गड्ढे के चलते आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि सीएम के आदेश पर भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। यदि सड़कें ठीक नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। मोगा में विजिलेंस टीम ने एएसआई हरजीत सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो हरजीत ने यहां एक मामले में 2 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पहले पीड़ित ने 5,000 एएसआई को दिए और अब 10,000 देकर रंगे हाथों पकड़वा दिया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਰੋਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 325 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੇਬਲ ਫੈਂਸੀ ਥਾਣੇ ਬੇਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।